साथ एक बड़ा दावा की। ये बड़ा दावा जम्मू कश्मीर के पूर्व महानिदेशक की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान असल में भारत के खिलाफ एसएसजी कमांडोज के जरिए एक गुप्त वॉर चला रहा है। ये पूरी खबर क्या बड़ा दावा किया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में हुई आतंकी घटनाओं में पाकिस्तानी सेना की एसएसजी की भूमिका की तरफ इशारा किया और कहा कि पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज ने आतंकियों के साथ मिलकर घुसपैठ की और वो रणनीतिक और सटीकता के साथ हमले कर रहे हैं, यानी जम्मू कश्मीर में हिंसा को बढ़ाने में पाकिस्तानी सेना सीधे तौर पर शामिल है। एसपी वैद्य के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की भूमिका बहुत गहरी है और मेजर जनरल आदिल रहमानी जो पाकिस्तान में एसएसजी के जीओसी हैं, वो इसके प्रभारी हैं और हमलों का समन्वय कर रहे हैं। पिछले 50 दिनों में जम्मू क्षेत्र में 15 आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2 अधिकारियों समेत 10 सुरक्षा कर्मियों और 9 तीर्थयात्रियों की जान चली गई और 58 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने जम्मू क्षेत्र के आतंक प्रभावित जिलों में आक्रामक अभियान चलाने पर जोर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की मासूम की मौत। 4.5 घंटे रेस्क्यू के बाद बोरवेल से बच्ची का शव किया गया बरामद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरेआम फायरिंग से मचा हड़कंप, बाइक सवार बदमाशों ने महिला पर झोंके फायर, महिला की मौत। चेन लूट और पुरानी रंजिश की बात आ रही है सामने। मध्य प्रदेश के सीहोर में युवक से बेरहमी का वीडियो सामने आया। वीडियो में कुछ दबंग युवक को पाइप से पीटते नजर आए, गो तस्करी के शक में पीटने का आरोप है। साहिबाबाद में कावड़ मार्ग पर शराब की दुकान खुली देख भड़के कावड़िया, शराब की दुकान में तोड़फोड़ का वीडियो भी आया सामने। महिला साहिबाबाद के ओम मार्केट का ये वीडियो बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, बदमाश सोनू उर्फ मुल्ला गोली लगने से जख्मी हुआ। तमंचा, कारतूस और डकैती में लूटा गया माल भी इसके पास से बरामद। पंजाब के मोहाली में ड्रग्स के खिलाफ एनसीबी का बड़ा एक्शन, 118 किलो ड्रग्स को जब्त कर किया नष्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रग्स के खिलाफ मुहिम का किया है ऐलान। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के जंगलों में संदिग्ध हालत में मिली विदेशी महिला, महिला ने खुद को बताया अमेरिका की निवासी। तमिलनाडु के युवक से महिला ने की थी शादी, पति पर ही जंगल में छोड़ने का आरोप लगाया। उन्नाव से एक सरकारी स्कूल के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही आई सामने। छुट्टी के बाद बच्चे को क्लास में बंद कर चले गए शिक्षक, 2 घंटे तक रोता बिलखता रहा मासूम। मुंबई के धारावी इलाके में एक शख्स की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। बाढ़, बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड ने बढ़ाई मुसीबत। हिमाचल के शिमला में पहाड़ से गिरे पत्थर, हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में 4 युवक बहे तो महाराष्ट्र के यवतमाल में बैलगाड़ी समेत बहा किसान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फटा बादल, मोनावल गांव में फटा ये बादल, किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। और आइए बात करते हैं पेरिस में पराक्रम की। जी हाँ, पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का उत्साह चरम पर है। आज भारतीय दल के कई अहम मुकाबले होने वाले हैं। ओलंपिक में आज भारतीय दल के क्या क्या खास होने वाले हैं मुकाबले, आइए इस रिपोर्ट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जोश दोगुना है और इसकी गवाही पेरिस ओलंपिक में देखी जा रही है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने अपना खाता खोल लिया है तो वहीं पदक जीतने के लिए भारतीय खिलाड़ी पूरी दमखम लगा रहे हैं। तीसरे दिन भले ही भारतीय खिलाड़ियों ने कोई पदक ना जीता हो, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में कई दिग्गजों को नाक ऊंचाने चबवा दिए। लेकिन आज का दिन भारत के लिए ओलंपिक में अहम होने वाला है। कल जहां हॉकी में भारत ने अपने दूसरे मुकाबले में अर्जेंटीना के साथ अंक साझा किया, तो वहीं अब आज भारत का अगला मैच आयरलैंड से होगा। पुरुष हॉकी टीम पूल बी के मैच में आज शाम 4:45 बजे दूसरे से भिड़ेंगी। फिलहाल भारतीय टीम 1 जीत और 1 ड्रॉ के साथ तीसरे नंबर पर है। उधर भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 से अच्छी खबर आई है।
मेंस डबल्स में सात्विक और चिराग का दूसरा मुकाबला रद्द हो गया था। जर्मनी के मार्विन सिडिल और मार्क लैम्स फूस की जोड़ी ने चोट की वजह से नाम वापस ले लिया था। इसके चलते भारतीय जोड़ी को बड़ा फायदा मिला है। सात्विक और चिराग की जोड़ी टॉप टू के साथ ग्रुप स्टेज को खत्म करेगी। ऐसे में इस जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ सात्विक और चिराग ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली युगल जोड़ी बन गई है। ये बैडमिंटन में भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। भारत की स्टार जोड़ी सात्विक और चिराग का अगला मुकाबला आज इंडोनेशिया के फजल अल्फियन और मोहम्मद रियान अर्दियांतो से होगा। अगर वो इस मुकाबले में इंडोनेशियाई जोड़ी को हरा देते हैं तो ग्रुप स्टेज में भारतीय जोड़ी टॉप पर पहुंच जाएगी। वहीं भारतीय निशानेबाज राजेश्वरी कुमारी और श्रेयसी सिंह महिला ट्रैप क्वालिफाइंग राउंड में भाग लेंगी। जानकारी के मुताबिक ये मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। तीरंदाजी की बात करें तो अंकिता महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा के एलिमिनेशन राउंड में पोलैंड की वायलेटा मैसेंजर से भिड़ेंगी। ये मुकाबला 5:15 बजे शुरू होगा। इसी स्पर्धा में भजन कौर इंडोनेशिया की साइफा नूरा फीफा कमाल से भिड़ेंगी। ये मैच 5:27 पर शुरू होगा। तीरंदाजी के एक अन्य मुकाबले में धीरज बोम्मा देवरा पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में चेक गणराज्य के एडम विंग से भिड़ेंगे। ये मैच 11:15 बजे होगा। बैडमिंटन के महिलाओं के युगल मुकाबले में अश्विनी पोनप्पा और तनिष्ठा क्रेस्टो की जोड़ी का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की सेतियाना मापासा और एंजेला क्यू की जोड़ी से होगा। ये मैच 6:20 से शुरू होगा। अगर बॉक्सिंग की बात करें तो अमित पंघाल पुरुषों के 51 किलोग्राम राउंड के 16 मैच में जाम्बिया के पैट्रिक चिनियबा को चुनौती देंगे। तो वहीं जस्मिन लंबोरिया महिलाओं के 57 किलोग्राम राउंड में फिलीपींस की नेस्ट्री पेटोसिया को हराने की कोशिश करेंगी। महिलाओं की 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार राउंड ऑफ 16 इवेंट में कोलंबिया की येना मार्सेला एरियस कॉस्टनेडा से भिड़ेंगी। ये मैच तो शायद आज तीन परिवारों के दीपक ना बुझे होते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात करते हैं पीडी एंगल, लेकिन किससे छल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पीडी कार्ड खेलकर क्या अखिलेश यादव ने जनता के साथ धोखा किया है या फिर अगड़ा कार्ड चलकर एक तगड़ा सियासी दाव चला है। लेकिन इस सब के बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के पीडी की पोल कैसे खोली, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अखिलेश का फॉर्मूला, योगी का हमला, सीएम योगी का अखिलेश को आईना, पीडीए वाला एंगल, सपा करती छल, झूठ के विरुद्ध योगी का फुल युद्ध। जो कार्य कभी विदेशी आक्रांता करते थे आज वही कार्य तो छात्र सेकुलरिज्म के नाम पर आने वाले राजनीतिक दलों ने किया है। क्या यूपी में पीडीए कार्ड चलकर अखिलेश यादव ने जनता को धोखा दिया है या फिर अगड़ा कार्ड खेलकर तगड़ा सियासी दाव चला है, इन्हीं सवालों पर विराम लगाने के लिए सीएम योगी ने अखिलेश के मिशन पीडीए की पोल खोल दी है और बता दिया है कि भेदभाव और भ्रम की सियासत यूपी में नहीं चलने वाली है। आपस में ही एक दूसरे को भिड़ाने की साजिश रची। जो कार्य कभी विदेशी आक्रांता करते थे आज वही कार्य तो इस देश के अंदर छात्र सेकुलरिज्म के नाम पर आने वाले राजनीतिक दलों ने किया है। क्योंकि जो अखिलेश यादव बीजेपी को कमजोर करने के लिए मिशन पीडीए लॉन्च कर पिछड़ों का मसीहा बनने का दावा कर रहे थे, उन्होंने विधानसभा में ब्राह्मण कार्ड खेलकर माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। अखिलेश यादव के इस फैसले ने बीजेपी को बैठे बिठाए घेरने का नया मुद्दा दे दिया है। बीजेपी अखिलेश के इस फैसले को पिछड़ों से धोखाधड़ी करार दे रही है। जिन लोगों ने ओबीसी समाज और प्रदेश के युवाओं की नौकरियों में डकैती डाली थी वे लोग आज आपसी फूट डालो और राज करो की अपनी नीति के तहत लगातार अपने दुष्प्रचार तंत्र के माध्यम से समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी सपा और कांग्रेस ने जनता को गुमराह करने के लिए कई वादे और दावे किए थे और बीजेपी पर मुस्लिमों और पिछड़ों को टारगेट करने का आरोप लगाया था, जिसका खामियाजा भी बीजेपी को यूपी में उठाना पड़ा। अब आगामी विधानसभा उपचुनाव से पहले सीएम योगी विपक्ष के प्रोपेगेंडा पूरी तरह से चकनाचूर करने का प्लान तैयार कर लिया है। भेदभाव या फिर भ्रम योगी चलने नहीं देंगे। ये लोग जाति के नाम पर आपको लड़ाने की किसी भी कुत्सित मंशा से सदैव किसी न किसी षड्यंत्र में और उस प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त रहेंगे।
अगले कुछ महीने में यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में अभी से सभी पार्टियां जुट गई हैं। सभी दलों का लक्ष्य है कि जनता के भरोसे पर खड़ा उतरना। हालांकि विपक्ष के हालिया बयानों पर अगर नजर डालें तो इंडी गठबंधन के दावों में सच्चाई कम और उत्साह ज्यादा नजर आ रहा है। वही बीजेपी मोदी योगी की जोड़ी के दम पर उत्साह से लवरेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का सिंगरौली, जहां पर 100 फीट गहरी बोरवेल में एक 3 साल की मासूम गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। सिंगरौली जिले के बरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कसर गांव में खेत में खुले बोरवेल में गिरी 3 साल की मासूम सौम्या शाह की आखिरकार मौत हो गई। मासूम को बचाने का हर संभव प्रयास किया गया। करीब 5 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद उसे बोरवेल से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है कि कल ही मासूम सौम्या का जन्मदिन था। बच्ची के जन्मदिन का जश्न धूमधाम से मनाने की योजना थी। घटना के बाद अब पूरा परिवार बच्ची की सलामती की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन प्रशासन की टीम तमाम कोशिशों के बावजूद मासूम को बचाया नहीं जा सका। जेसीबी मशीनों की मदद से एसडीआरएफ की टीम की मौजूदगी में खुदाई की गई, लेकिन जिस चमत्कारी की उम्मीद गांव वालों को थी वो पूरी नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि 100 फीट गहरे बोरवेल में पहले से बारिश का पानी था और जब बच्ची गिरी तो उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए बात करेंगे बाढ़ और बारिश की, क्योंकि बाढ़ और बारिश ने जगह जगह तबाही मचाई है। देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर जबरदस्त बारिश लगातार बाढ़ जैसे हालात पैदा करे। कहीं जगह तो पूरे के पूरे शहर जो है वो पानी में डूब चुके हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हाल के दिनों में लगातार हो रही बारिश ने देश के कई हिस्सों में जल तांडव मचा दिया है। बारिश के कारण व्यापक स्तर पर तबाही हो रही है, जिससे पूरा शहर और उसके आसपास के इलाके पानी में डूब गए हैं। इस स्थिति में न केवल जनजीवन को प्रभावित किया बल्कि इमारतों और बुनियादी ढांचों को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया। वहीं कांगड़ा घाट हरिद्वार पर गंगा की तेज लहरों में बह रहे 4 शिव भक्तों को उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 150 मीटर तक पीछा करते हुए सकुशल बचा लिया। बारिश के लगातार प्रभाव के कारण कई जगहों पर इमारतें गिर रही हैं और सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। विशेष रूप से निचले इलाके में स्थित इमारतें और मकान बाढ़ के पानी के प्रभाव में आ गए हैं। अनेक क्षेत्रों में इमारतों की दीवारों और छतें पानी के दबाव सहन नहीं कर पाने के कारण गिर रही हैं, जिससे लोगों की जान माल की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए बात करते हैं इंडिया ब्लॉक की। इंडिया ब्लॉक आज प्रदर्शन करने वाला है जंतर मंतर पर। असल में विपक्षी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में गिरती सेहत को मुद्दा बना दिया है और इसको लेकर आज इंडिया ब्लॉक जंतर मंतर पर रैली करेगा। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। इंडी गठबंधन आज जंतर मंतर पर रैली करेगा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में गिरती सेहत का मुद्दा उठाया जाएगा। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जेल में केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। पार्टी ने सीएम की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 3 जून से 7 जुलाई के बीच केजरीवाल का शुगर लेवल 26 बार गिरा था। इंडिया ब्लॉक केंद्र सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही है। केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को लेकर अवैध तरीके से जो उनकी गिरफ्तारी की गई है, उनकी रिहाई की मांग को लेकर जो धरना जंतर मंतर पे हो रहा है, उसमें ये सारे दल आंदोलन में वो लोग शामिल होंगे। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। दिल्ली के सीएम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि वे फिलहाल सीबीआई के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर अब उम्र कैद की सजा होगी। इससे जुड़ा विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया है और आपको बता दें आज इस विधेयक को योगी सरकार पास करा सकती है। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी की योगी सरकार ने अब लव जिहाद पर और सख्ती करने का फैसला किया है।
इस तरह के अपराध पर अब उम्र कैद की सजा होगी। इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया। इस विधेयक में कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई है। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। इस विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी है। इस विधेयक को आज विधानसभा से पास कराने की तैयारी है। दरअसल लव जिहाद के खिलाफ 2020 में योगी सरकार ने पहला कानून बनाया था, जिसे और कड़ा करने का अध्यादेश कल सदन में पेश किया गया। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक के तहत सिर्फ